हेलो बच्चों लेट्स द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन हियर इज व्हेन एन अन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए पोलरइड सीट इट्स इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड बाय ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक अन पोलराइज लाइट को अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं पोलराइज सीट में पोलराइड सीट में तो इंटेंसिटी कितने परसेंट रिड्यूस हो जाएगा सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज दिस इज फ्रॉम द पोलराइजेशन ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट ओके पोलराइजेशन ऑफ लाइट ओके सो पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन ए पोलराइड सीट इसमें क्या बोलता है कि व्हेन अ लाइट ट्रांसमिट्स ट्रांसमिट्स इन अ पोलराइजिंग सीट पोलराइजिंग सीट तो क्या होता है ओनली द कंपोनेंट ओनली द कंपोनेंट ऑफ लाइट पोलराइज पोलराइज एलोंग अ पर्टिकुलर डिरेक्शन अलगंग पर्टिकुलासन एंड आब्जर्व दर्पेड अब्जर्व एंड आबजर्व द पर्पेंडिकुलांपोनेंट पर्पेंडिकुला कंपोनेंट दैट डिरेक्शन तो क्या होता है जो उसके उस डिरेक्शन के एलंग जाता है जो लाइट उसको तो वो पोलराइज कर लेता है पर जो परपेंडिकुलर जाता है जो कॉम्पोनेंट उसको वो ऑब्जॉर्व कर लेता है सो ऑन दिस बेसिस हाफ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइट हैज इट्स पोलराइजेशन पोलराइजेशन एक्सिस इन वाई डिरेक्शन मतलब इन परपेंडिकुलर डिरेक्शन लेट से परपेंडिकुलर डिरेक्शन जो है उसको वाई हम ले रहे हैं इन वाई डिरेक्शन एंड हाफ इन एक्स डिरेक्शन एंड हाफ इन एक्स डिरेक्शन ओके दैट इज अलोंग द अलोंग दलोंग पोलराइजिंग सेट तो हमारा कितना इंटेंसिटी ट्रांसमिट uh, हुआ 50% परसेंट ट्रांसमिट trans, होगा और 50% परसेंट क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा सो so, 50% परसेंट ऑफ लाइट इज लाइट इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड एंड 50% परसेंट इज ट्रांसमिटेड ओके तो आंसर क्या हो जाएगा 50% is our correct answer. I hope so. You understood it well. Best of luck. Thank you.